बहुत सुपर है और अच्छी फिल्म है। और जो सर हैं जो सबसे पहले 10 साल पहले इन्होंने मुझे सबसे पहले मुझे इनने मौका दिया था और आज मुझे खुश नसीब हूँ कि उनकी फिल्म में मुझे देखने को मिली। ये बहुत सुपर हिट फिल्म है। मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले इन्होंने मौका दिया था लेकिन आप शुभ रात्रि का पार्ट नहीं हो तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे मैं ऑडियंस में आया हूँ, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। अच्छा, फिल्म देखने आया? फिल्म देखने आया। अच्छा, कैसी लगी फिल्म? सर की फिल्म इसलिए देखने आया कि मुझे पहले से आज रात्रि में नींद आएगी अच्छी। आप शुभ रात्रि होगी आज आपकी? आज बहुत अच्छी शुभ रात्रि। क्या देखा आपने फिल्म में, क्या कितना एंजॉय किया? किया जो गलत लड़के होते हैं लड़कियों को यूज करते हैं और वो मतलब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं पैसा और लड़कियों को यूज करते हैं तो उनको मतलब मदद दिखाया, मतलब सही स्टोरी दिखाया। अनिश जी बोलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत तारीफ कर रहे थे गाने की और लोग गाने पर खास करके सीटियां बजा रहे थे और आप उसके पार्ट हो शुक्रात्रि के, क्या कुछ कहना चाहोगे? कितना सॉफ्ट टच एंटरटेनमेंट, राहुल प्रजापति जी और कर्णिका मंडल जी ने ये फिल्म सबसे पहला कोविड के वक्त पे रिलीज़ की है, ठीक है। उसके बाद जो दुरंधर फिल्मों के बीच में ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो तो एक मेरी फैमिली है, ठीक है। ये जो फिल्म मैंने किया हूँ शुभरात्रि, उसके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि वो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं मंझे हुए कलाकारों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड सपोर्ट और बहुत कॉपरेशन मिला और राहुल जी ने मुझे अक्सर सराहा है और इवन मैडम ने सराहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही किया और फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इंशाल्लाह ताला ये फिल्म आगे जाएगी और पहले एक शो था, 4 शो हो जाएंगे इसके, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके राहुल जी, आप क्या करना चाहोगे, कैसा रहा केमिस्ट्री आपकी और अनीश जी की कोरियोग्राफर इनने कैसा? एक्चुअली ये देखा जाए तो अनीश जी के साथ मैंने 2 सॉन्ग ऑलरेडी पहले किया हुआ था जिसमें से एक सॉन्ग मेरा वक्त हमसा गया सुपर हिट हुआ था 2020 में अमेजोन प्राइम वीडियो पे, वक्त हमसा गया। और उसके बहुत मतलब अमेजोन प्राइम वीडियो ने मुझे और हमारी हीरोइन को जो है कोई स्टार को उन लोगों को भी अवार्ड में भी बुलाएंगे, अवार्ड देंगे हमें। बट अनीश जी के साथ जितना भी मैंने काम किया एक्चुअली देखा जाए तो मतलब कभी एक कोरियोग्राफर बन के नहीं काम किया या मैं कभी इनको इनके साथ एक्टर बन के काम नहीं किया, एक फैमिली मेम्बर बन के काम किया। बट आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बहुत मज़ा आया। और ये ऐसे कोरियोग्राफर हैं, ये ऐसा नहीं कि भाई नहीं मुझे यही सीन चाहिए, अगर कोई सजेशन देता है तो ये सुनते हैं और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग वो सीन बनाते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, इनके साथ काम करके मुझे ये बहुत मजा आया और हम लोग इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे। वो केमिस्ट्री दिख रही थी पर्दे पे आप दोनों की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसी फिल्म है जो आपने रोल ले पाया है, वो भी काफी दमदार है, तो ये रोल चुना क्यों और कैसा अनुभव है? और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अंदर लोग एंजॉय कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे फिल्म को देखकर, वो देखकर अगर आप पब्लिक के बीच में बैठे थे वो कैसा फीलिंग थी आपकी और क्या कुछ कहना चाहोगे? डेफिनेटली यार अच्छा ही फील आएगा ना, फिल्म हमारी है तो डेफिनेटली अच्छा ही फील आएगा ना कि लोग सीटियाँ मार रहे हैं और लोगों को एंजॉयमेंट हुआ। मैं इंटरवल पे भी देखा लोग मतलब नाश्ता करते करते एक स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे लिए तो बहुत मतलब सौभाग्य की बात है ना। और दूसरी बात ये भी कि सूर्यवंशी की टक्कर दे रही है आपकी फिल्म और बहुत एंजॉय कर रहे थे लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? नहीं देखिए क्या है, सूर्यवंशी का टक्कर तो मेरी फिल्म नहीं दे सकती है ना बंटी और बबली का, बट ठीक है ओके, आप लोग पसंद करते हो, ऑडियंस पसंद करती है, इसके लिए तो मेरा मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बट हाँ ठीक है, लोगों ने मुझे बोला भी कि देखिए क्या है कि आप अगर फिल्म रिलीज कर रहे हो तो ये बड़ी फिल्मों के सामने छोटी फिल्में जो है नहीं चलती है, लेकिन मैंने कहा अब फैसला होएगा, अब चाहे चलेगा या नहीं चलेगा इसका फैसला ऑडियंस करेगी, क्योंकि और ऑल इंडिया में ये रिलीज हुई बड़ी बात है। ऑल इंडिया लॉकडाउन के बाद बहुत लोग दिनों के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं और शुभ रात्रि को एंजॉय कर रहे हैं, कैसा क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को? सर देखिए क्या होता है कि अभी इस समय में फिल्म को रिलीज करने का 2 रीज़न है, एक तो 2-2.5 साल के बाद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें ये नहीं समझता कि भाई छोटी फिल्म क्या है बड़ी फिल्म क्या है, ठीक है ना। तो इन्जॉयमेंट तो सबको करना चाहिए और मेरी फिल्म में जो है कोई मतलब ऐसा कॉमेडी भी है और सस्पेंस है और मर्डर मिस्ट्री टाइप की फिल्म है जस्ट लाइक महेश भट्ट, तो मुझे तो अच्छा लगा और लोगों का मुँह से सुना, पब्लिक रिव्यू भी देखा मैंने तो अच्छा लगा मुझे। और ये भी कहना जो एक्ट्रेस हैं वही अगर देखा जाए तो हीरो हैं क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ किया है, रिवेंज का जो स्टोरी है उनको हाँ। रिवॉल्व करता क्या कहना चाहूँगा उनके बारे में? नहीं एक्चुअली वो बहुत बहुत शातिर लड़की है, उन्होंने जो रोल प्ले किया मैं तो शॉकिंग रह गया, मैं एक्शन कट बोलने के चक्कर में शॉकिंग रह गया कि मतलब ये सारे मेरे सारे क्रू मेंबर्स बोलते थे कि बड़ी बड़ी लाइनें इनको दी जाती थी तो सारे क्रू मेंबर बोलते थे कि यार कर्णिका मैम का तो टेंशन नहीं है, कर्णिका मैम एक ही बार में टेक दे देंगी, लेकिन अगर टेंशन है किसी का
तो बाकी लोगों का टेंशन है, लेकिन मैं भी सोचता था कि एक्चुअली मैं खुद कन्फ्यूज रहता था कि चार बार एक्शन कट बोल के और करने का मैं कौन सा सीन मुझे रखूँ। एक्चुअली उनके सारे सीन अच्छे लगते थे मुझे। और शाहिद माल्या को कास्ट किया आपने, उसके पीछे वजह क्या रही है? शाहिद माल्या को कास्ट किया उसके पीछे ऐसा कोई वजह नहीं है, वो एक सिंगर है और वो बड़ा सिंगर रह चुका है और वो जो है हमारे फिल्म के अंदर उसने एज ए सिंगर सॉन्ग भी गाया हुआ है। तो ऐसे ही मजाक में बात चली और वो आए तो बोले सर ये गाना बहुत अच्छा है, क्या इस पर मैं पिक्चराइजेशन कर सकता हूँ? तो मैंने कहा आप पिक्चराइजेशन क्यों करना चाहते हैं, आप मेरी फिल्म के अंदर हीरो बन जाइए ना भाई, आपने इतना हिट गाना गाया है तूने मारी इट्टिया तो दिल में बजी घंटिया। तो मजाक में ये मामला सीरियस में हो गया। फिर सेकेंड डे मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया, बट ओके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके काम से मैं बहुत सैटिस्फाई हूँ, मुझे बहुत मजा आया। आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या सरप्राइज लाने वाले हैं? आगे अभी देखिए मैं एज ए डायरेक्टर नहीं करना चाहता कुछ आगे जो है, मैं अभी मेरी फिल्म अभी आ रही है जस्ट लाइक डर मूवी का सीक्वल, हमारी फिल्म का टाइटल है लव इज़ फॉर एवर, प्यार हमेशा रहेगा। उसमें डर मूवी में शाहरुख खान साहब जिंदा थे, हमारी डर में जो है शाहरुख खान साहब मुर्दा है। हाँ मतलब एक जस्ट लाइक परछाई है और आत्मा है ऐसा। तो वो अभी फिल्म अभी हम शूट करेंगे नेक्स्ट मंथ है। और अभी तेलुगू में मैंने एक फिल्म किया था, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ साल पहले एक डॉक्टर है, स्कूटी उसकी ख़राब हो जाती है और उसको कुछ बदमाश लोग पकड़ लेते हैं, उसको रेप करते हैं, जला डालते हैं। तो उसकी बायोपिक के ऊपर मैंने फिल्म किया एज ए हीरो, तेलुगू फिल्म, टाइटल उसका अखिला, चिरंजीवी प्रोडक्शन से प्रोड्यूस की गई है फिल्म। वो मार्च एंडिंग है, अप्रैल फर्स्ट वीक में लगेगी पूरे साउथ में। तो प्लानिंग है, अभी सब चल ही रहा है कंटिन्यू। हम मोहन आपसे मिलने आए हैं देरी से। अब तो वेट बढ़ाना है, इसके स्पेस से मैंने उसके लिए वेट बढ़ाया था। करना है अभी यार, प्रोड्यूसर को बोल तो रहा हूँ, दे रहा हूँ तो टाइम दूंगा, दूंगा टाइम तेरे को यार, रुक जा, चल चल रोल। सर क्या बोलना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसा लगा इस फिल्म का हिस्सा होना आपको, कितना एक्साइटेड? कनिका जी बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे, पब्लिक बहुत सीटियाँ वीटियाँ बजा रहे थे और कितनी खुशी हो रही है जब उनके बीच बैठ के आप देख रही थी फिल्म और सीटियाँ बज रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परफॉर्मेंस को देखकर? मुझे मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खुले और थिएटर में ही पिक्चर रिलीज़ हो, और आज जब मैंने सब देखा पब्लिक का रिएक्शन तो मुझे बहुत मज़ा आया, जितना काम करके नहीं मज़ा आया उससे कई ज़्यादा मुझे सबका रिएक्शन देखकर, और सब लोगों ने मेरे काम की इतनी तारीफ़ की, इसलिए मैं अपने सारे ऑडियंस को थैंक यू सो मच ये बोलना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन में जहाँ लोगों की फिल्में थिएटर तक नहीं पहुँच रही है, आपकी ऑल इंडिया रिलीज हुई है, ये खुशी की बात है, क्या कुछ शेयर करना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत खुशी की बात है, आज भी ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो लॉकडाउन के वजह से बैक टू बैक वेट कर रहा है, बट हमारी मूवी को मिल गया रिलीजिंग डेट और ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई मूवी, तो और उनको सब जगह से रिव्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, और कुछ ऐसे सुनने में आया शायद ऑडियंस को पब्लिक को बहुत अच्छी लगी फिल्म, तो उनका शो उनको बढ़ाना है, तो ये सारी मतलब गुड न्यूज़ है हमारे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सूर्यवंशी को टक्कर दे रही है आपकी, वो थैंक यू सो मच आपने कहा, देखिए वो बहुत बड़ी फिल्म है बट उसके सामने अगर हमारी फिल्म अगर ऑडियंस को पसंद आई तो मैं सारी जनता को यही बोलूँगी थैंक यू सो मच, आप जाइए और आपके सारे फैमिली फ्रेंड्स सबको लेकर जाइए फिल्म एक बार देखिए। आज की रात्रि कैसी होगी आपकी, शुभ रात्रि आज की कैसी? ऑब्वियसली बहुत शुभ होगी। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कैसी फिल्म लगी, क्या खास मिलता है इस फिल्म में? फिल्म अच्छी लगी, जब एंटर किए थे लगा कि क्या होगा इसमें, बट ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्लाइमैक्स, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, प्री क्लाइमैक्स, बड़े मज़ेदार है, वर्थ वॉचिंग। म्यूजिक पार्ट कैसा है फिल्म का? म्यूजिक इज ओके, वैष्णव देवा साहब ने अपना जलवा दिखाया है उसने, ही हैज डन अ गुड जॉब। एक्टिंग आई वुड लाइक टू आस्क द हीरोइन, उसको मोटी थोड़ी बनाए थे, शायद उसका रोल डिजर्व करता, साउथ इंडियन लड़की बताए तो भरी भरी लड़की होना चाहिए, तो इसलिए उसको मोटी बनाए थे। तो 5 बजे कितना स्टार्ट देंगे? 3:30 स्टार्ट देंगे। काफ़ी अच्छी पिक्चर थी और जो इंटरवल के बाद जो सीन देखने को मिला हमें काफ़ी अच्छा मिला, कि एक लड़की के साथ जो इस तरह से आजकल
घटनाएं घट रही हैं, लोगों के लिए काफ़ी सबक थी और सब मिला के काफ़ी अच्छा लगा। फिर भी कहानी कैसी लगी? कहानी का जो ट्विस्ट था वो काफ़ी अच्छा था, रोमांटिक था और बहुत अच्छा भी लगा मुझे काफ़ी। और मुझे यह मानना है कि काफ़ी करके लोग दर्शकों को पसंद आएगी आने वाले समय में। पाँच में से चार स्टार देंगे हम। हाँ, कैसी लगी फिल्म? अच्छी रही फिल्म, अच्छी रही, मर्डर मिस्ट्री है। और क्या लगा आपको फिल्म में, खास क्या नजर आया? खास बात क्या लगी फिल्म की? खास बात अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने सबको ये किया। और गीत संगीत गाना वगैरह? गीत संगीत वगैरह काफ़ी अच्छे। कितने स्टार देंगे? कितने स्टार देंगे? पाँच में से स्टार कितने दोगे? क्या? अरे स्टार कितने? पाँच में से स्टार देना चाहोगे क्या? कैसी लगी फिल्म? आपको सिर्फ कोरियोग्राफ किया है तो कितना मुश्किल रहा था कोरियोग्राफी करना इस फिल्म के? कोरियोग्राफी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि जो होम प्रोडक्शन था हमारा सॉफ्ट टच एंटरटेनमेंट, राहुल प्रजापति जी और कर्णिका मैडम जी, मेरे सबसे कोरियोग्राफी वो तो घर का माहौल था हम लोग का, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा वो लोग ने एंटरटेन किया और बहुत सपोर्टिव रहे। और दूसरी बात डांस के मामले में, हर चीज़ के मामले में क्या हुआ कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इट वॉज रियली वेरी गुड वंडरफुल। और ख़ास करके ऐसे मौके पे हमारी फिल्म रिलीज़ हुई है जिस वक्त सूर्यवंशी और बंटी बबली 2 रिलीज़ हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। राहुल जी हैज़ डन अ वेरी ग्रेट जॉब। फिल्म तो बहुत अच्छी लगी, लॉकडाउन के बाद सब में पहला पिक्चर यही देखा मैंने और माइंड जरा अच्छा हो गया देखने के बाद, कोविड भूल गया हूँ ऐसा। इसमें मेन खास बात यह है कि पिक्चर बहुत सस्पेंस पिक्चर है और इसमें मेन विलन का काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, बाकी क्या म्यूजिक पार्ट कैसा है? म्यूजिक बहुत अच्छा है, स्टार्ट से एंड तक का पिक्चर में मजा आया, रोमांटिक है, कॉमेडी है, सब कुछ है इसमें। ये इधर, अरे अपने को तो बहुत पसंद आया, तुमको बताओ अपने को तो बहुत पसंद आया। हमें ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी, खास करके इंटरवल के बाद से बहुत मज़ा आया। इसमें जो किलिंग किया हीरोइन ने, एक्शन है, डांस है, हीरोइन का बहुत अच्छा है, उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया इस मूवी में। शायद इनकी पहली पिक्चर है और ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी हमें, तो मैं इसलिए ऑल द बेस्ट कहूँगा इस मूवी के लिए। थैंक यू। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जो एक्ट्रेस है उसका एक नंबर, बहुत अच्छा है। मूवी बहुत अच्छी लगी सर, और जो उसमें सस्पेंस था वो बहुत अच्छा है और इसका सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। और ये मूवी जो है पूरी फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हैं और बहुत अच्छा लगा ये मूवी। और दूसरी चीज़ जो इसमें हीरो ने काम किया है और दूसरा जो हीरोइन ने काम किया है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सर मूवी तो बहुत अच्छी थी, जो काम किया है हीरोइन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी मूवी है, सुपर डुपर हिट जाएगी और गाने भी बहुत बेस्ट दिए, बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। सो आप लोग जो भी देखेंगे, जो भी ये न्यूज़ पे या जो भी चैनल पे देखेंगे, प्लीज़ आप लोग जाइए मूवी देखने के लिए, बहुत बेस्ट मूवी है, फैमिली के साथ जाइए। थैंक यू। अच्छी लगी पिक्चर, खासियत अच्छी पिक्चर लगी और ख़ास करके जो उसमें दुश्मन को ठिकाने लगाने का जो प्लान बनाया वो सबसे बेस्ट था उसमें, और जो गाने थे स्टार्टिंग के वो बहुत अच्छे थे। म्यूजिक पार्ट गाने क्या कहेंगे, म्यूजिक कैसा लगा? म्यूजिक बहुत अच्छा था। पाँच में से कितने स्टार देंगे? हाँ, पाँच में से कितने स्टार देंगे? पाँच। फिल्म के बारे में? ये पिक्चर बहुत ही अच्छी पिक्चर है, सस्पेंस है और क्लाइमेक्स भी बहुत ही बढ़िया बनाया हो, सब लोग ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। गाने के बारे में? सही गाने कैसे लगे? गाने के गाने एक से एक बहुत बेहतर गाने हैं, बहुत मज़ा आया। शाहिद मालिया का काम कैसा लगा? हाँ, शाहिद मालिया का काम, शाहिद मालिया का काम भी बहुत ही बेहतरीन है, आप जरूर वॉच कीजिएगा ये पिक्चर जरूर देखिए। कितने स्टार देना, पाँच में से कितने स्टार देना चाहोगे आप? पाँच में से मैं तो उसको 5 स्टार ही दूंगा क्योंकि अलग स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है। सर आइए, आप बताइए सर। फिल्म तो सर बहुत अच्छी थी, एक्शन थ्रिलर था और फुल कॉमेडी, फुल एंटरटेनमिंग था सर, और सब आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, राहुल जी ने और वो मैडम जो कार्निका मैडम जो है, और हर आर्टिस्ट, मतलब एक एंटरटेनमेंट पिक्चर है सर, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग से कि जाके देखें, बहुत अच्छी पिक्चर है। सर मुझे तो जो परफॉर्मेंस लगा था, जो खास करके मैम का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस गया था कि कैसे वो अपने बहन का बदला लेती है, लेकिन हाँ इंटरवल के बाद जो आपका फिल्म जो स्पीड पकड़ती है दैट इज़ ए सुपर। आप देखिए फिल्म को और इंटरवल के बाद आप मत जाइएगा।